क्यों से शुरुआत करेंगे। तगड़े ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं, अमेरिकी बाजारों से रिकॉर्ड स्तर पर हैं, इन्हें कैसे देखा जाए? गुड मॉर्निंग रेहा, देखिए और गुड मॉर्निंग पूजा। संकेत काफी अच्छे हैं ग्लोबल मार्केट से। अमेरिकी बाजार बिल्कुल वैसा प्रदर्शन कर रहे हैं जैसा हम चाहते हैं और जैसा हमारा अंदाज भी है। हाइज पर हाइज लगातार बन रहे हैं और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई मतलब अफरा तफरी है, आराम से बढ़ रहे हैं, अच्छी बुरी खबरों के बीच दोनों कंडीशंस में बढ़ रहे हैं। हल्का फुल्का करेक्शन आता है तो भी कोई एक आध दिन का आता है, वापस तीन चार दिन की तेजी बन जाती है। सो कुल मिलाकर नए रिकॉर्ड अमेरिका में बनते हुए दिख रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है। हमारे टारगेट जो हमने पिछले साल दिवाली पर रखे थे डाउ के 46 से 48 हजार के, महीने दो महीने लेट हुए हैं, दिवाली से दिवाली तक के हमारे टारगेट थे, लेकिन ऑलमोस्ट आप देखिए एक साल के अंदर अंदर आप 45 हजार तो पहुंच ही चुके हैं। 46 हजार का हमारा टारगेट था, तो बिल्कुल हमारे टारगेट के मुताबिक उसी डायरेक्शन में ग्लोबल मार्केट स्पेशली डाउ उधर बढ़ रहा है और ये टारगेट अब भी पक्के हैं। मेरे ख्याल से अगर इस तेजी का पीक बनना भी है तो शायद जब ट्रंप साहब शपथ ग्रहण करेंगे जनवरी में, तब जाकर होगा। तब उससे पहले तो कोई बहुत बड़ी मंदी होने के चांसेस तो दिखते नहीं है, ये अमेरिकी बाजारों में साफ दिखा है। अब इस बीच में कुछ अच्छी खबरें और आती हुई दिखी, कहते हैं कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो अच्छी खबरें ही आती है। देखिए इसराइल और हिजबुल्ला के बीच में फाइनली बाइडेन साहब ने जाते जाते सीज फायर करवाया, दोनों के बीच में युद्ध विराम करवाया है जो कल से आज से लागू हो रहा है और धीमे धीमे करके अगले 60 दिनों में इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा। ये एक अच्छा संकेत है। अब शायद इसी की वजह से दो चीजें और होंगी जिस पर आपको फोकस करना है। पहला, मेटल्स थोड़े कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। आमतौर पर युद्ध वाली सिचुएशन में मेटल्स कच्चा तेल आपको थोड़ा मजबूत होता दिख रहा है। कच्चा तेल स्टेबल है, $72-73 के आसपास है। तो एक चीज क्लियर कट है कि अब जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से कच्चा तेल बहुत बड़े इसके चांसेस कम है, लेकिन मेटल्स में भी हल्की फुल्की कमजोरी आई है। तो ओवरऑल कमोडिटीज बहुत तेजी से नहीं भागेगी, ये एक अच्छा संकेत है। हाँ, कमोडिटी स्टॉक्स के लिए थोड़ा सा ये नेगेटिव मान सकते हैं आप, लेकिन ओवरऑल हम ग्लोबल संकेतों को आज शुरुआत करने के लिहाज से देखें तो अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 125 पॉइंट की तेजी नैस्डेक में और डाउ में दोनों हमारे काफी काम की रहेगी और इसीलिए आज इन मजबूत संकेतों से बाजार का सेंटिमेंट इस लिहाज से तो कम से कम मजबूत रहेगा कि ग्लोबल कहीं कोई समस्या नहीं है और न्यूज फ्लो भी काफी पॉजिटिव है। वेरी वेल।